दोस्तों, अगर आप मशीन ले रहे हैं सीवीसी मशीन, तो एक कमेंट आया था, मान लीजिए ले ही लिए हैं, तो इस कमेंट आया था कि इस मशीन में जो है कि डीएलसी कैसे निकालते हैं। देखिए, आप मशीन में जो जांच लगाने के लिए लगा लेते हैं, मगर डीएलसी आप निकाल नहीं पाते हैं। तो आपको यही क्लियर करने वाले हैं कि किस तरह से डिफरेंशियल निकाला जाता है, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी में जो डिफरेंशियल होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल और बेसोफिल, इस तरह के जो सेल हैं, कैसे अलग अलग पार्ट में लिखा जाता है, ये चीज़ें आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसमें लिखा, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेल जो है दो प्रकार में बांट दिया गया है, यानी दो प्रकार में सेलों को बांट दिया गया है, ठीक है, दो डिवाइड में। यानी ग्रेनुलोसाइट, यानी कि ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या आता है आप लोग बताते रहे, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, ये तीनों जो है कि ग्रेनुलोसाइट में आता है। और ग्रेनुलोसाइट में क्या कहता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में दो लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, आइए आप उसी विषय में बता रहे हैं। देखिए, इसमें देखिए लिखा हुआ है लिम्फोसाइट 11 है, न्यूट्रोफिल यानी ग्रेनुलोसाइट 68 है, मीड यानी कि इसिनोफिल 20 है, फिर जो है कि इसमें आप ये आपका मोनोसाइट हो गया और बेसोफिल हो गया, इसमें आपको 100 कर देना है, ठीक ना। तो 100 कब जो बचेगा वो आपका इसिनोफिल, देखिए इसमें लिखा हुआ है लिम्फोसाइट ऊपर है, उसके बाद ग्रेनुलोसाइट है यानी कि न्यूट्रोफिल है, उसके बाद मीड यानी कि इसिनोफिल है, आपको बच गया दो सेल बेसोफिल और मोनोसाइट। तो आपका मोनोसाइट ये हो गया, लिम्फ जो लिखा है इसमें, इसमें हज का जो है एक सिंबल है, और बेस जो बच रहा है आपका बेसोफिल हो गया, ठीक ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, वो बेसोफिल आप हमेशा 0 पॉइंट में देंगे, क्योंकि बेसोफिल का हर एक रीडिंग का अलग रेंज होता है, ठीक ना। ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बेसोफिल को 0 पॉइंट में दे सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए या समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को वीडियो हम फिर से बनाकर दिखा देंगे। थैंक यू।